नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा फर्स्ट प्राचीन भारतीय इतिहास का जो वीडियो कंप्लीट हो चुका है और आप तक पहुंच गया होगा। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड वीडियो पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए कि आज जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाते हैं। और अब क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, पहले जो हमारे क्वेश्चनों का जो लेवल था वो काफ़ी सरलतम टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते थे, परंतु अब हमारे यहाँ क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो हम सारे एमसीक्यू जो भी करेंगे उसमें सारे डिटेल्स देखेंगे और बहुत ही करीबी से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप बात ये बात करते हैं कि अभी तक जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल आईडी से नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा, फेसबुक आईडी से भी जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल में सिलेक्शन मेंटर को भी सर्च नहीं किया, जल्दी से सर्च कर लीजिए, सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, डेली बेसिस पे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और ये हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं वीरज सर जी, ठीक है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं, और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट सर्विस में अगर जाने के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइएगा और आपको बहुत ही बेस्ट से बेस्ट जो है मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आपको प्राप्त होते रहेंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, वो क्वेश्चन में, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्वेश्चन है धौलावीरा। अब देखिए, धौलावीरा का नाम सुनते हुए देखिए अभी यूपीएससी ने धौलावीरा के बारे में क्वेश्चन को रखा है और किस तरह से रखा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया है कि धौलावीरा किस राज्य पे स्थित है। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो आपको हम बताने जा रहे हैं, पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात राज्य में धौलावीरा स्थित है और धौलावीरा जो है वो कच्छ के रण में है, कच्छ के रण के आसपास स्थित है धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों कहाँ स्थित है, तो वो कच्छ के रण के आसपास दोस्तों स्थित है, समझ गए होंगे दोस्तों। और राजस्थान में क्या है, राजस्थान में एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है दोस्तों, कालीबंगा। और पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा स्थल स्थित है दोस्तों, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो स्थित है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो स्थित है। और पंजाब में कौन सा स्थल स्थित है दोस्तों, तो वो रोपण स्थल, जहाँ पर हमें रोपण से हमें दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो रोपण से हमें तांबे की एक कुल्हाड़ी केवल यहाँ से हमें एविडेंस के रूप में मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ रोपण से। तो ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे है रोपण, किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है दोस्तों रोपण, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहां पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपके पास भारत के गुजरात राज्य में, दूसरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और तीसरा है भारत के पंजाब प्रांत में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अभी हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, किस जिले पर दोस्तों, लरकाना जिला पड़ता है, क्या पड़ता है, लरकाना जिला पड़ता है
और नदी कौन पड़ती है दोस्तों? तो वो पड़ती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पर ये हमारा स्थल स्थित है, साइड स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में कैसा नगर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है दोस्तों। और जनसंख्या सबसे ज्यादा इसी में थी, जनसंख्या इसी में थी दोस्तों। समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को? और मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा। मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला, या कह सकते हैं हम लोग सिंधु का बाग। क्या कह सकते हैं? सिंधु का बाग। या क्या कह सकते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। और क्या कह सकते हैं हम लोग? ठीक है, स्टीपों का टीला। ठीक है, इस तरह से हम कई नामों से जानते हैं। या मृतकों का टीला भी कह सकते हैं, मृतकों का टीला भी कह सकते हैं। इन नामों से मोहनजोदड़ो के अर्थ के रूप में हम लोग जानते हैं। और चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो हड़प्पा कालीन नगर जो भोगवा नदी के किनारे है। तो पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा, तीसरा आलमगीर, चौथा बनवाली। तो जल्दी से बताइए चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भोगवा नदी के किनारे जो है वो आपका लोथल स्थल है, लोथल स्थल। और लोथल कहाँ है दोस्तों? वो है गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, और एक क्या है ये? पतनन नगर है, पतनन नगर है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात ये किस नदी किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थिर है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है दोस्तों। और किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर दोस्तों जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मेरठ से। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और सबसे सबसे पूर्वी स्थल है ये, सबसे पूर्वी स्थल है कौन, कौन स्थल है? आलमगीरपुर। अब देखिए ये बनवाली, बनवाली ये जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है हरियाणा, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे। इसके बाद अगला चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपके पास मोहनजोदड़ो से, दूसरा हड़प्पा से, तीसरा लोथल से, चौथा धौलावीरा से। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो महान स्नानागार जो हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से हमें महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। महान स्नानागार भी कह सकते हैं, या पब्लिक जो है हम बाथिंग सिस्टम भी कह सकते हैं दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुआ? वो हमें प्राप्त हुआ। तो एक तो महान स्नानागार पहला पॉइंट हो सकता है, दूसरा इसमें एक और होगा जैसे अन्नागार की हम लोग बात करते हैं, अन्नागार, अन्नागार ठीक है। और सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की, सबसे बड़ी इमारत, तो सबसे बड़ी इमारत जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई हमें? वो भी हमें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। और जैसे तीसरा सभा भवन भी यहीं से हमें प्राप्त हुआ, सभा भवन भी हमको यहीं से प्राप्त हुआ, मतलब पुरोहितों का आवास भी हमको यहीं से प्राप्त हुआ, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास भी हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। तो चार हमें प्राप्त हुए, पहला महान स्नानागार,
दूसरा अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तीसरी सभा भवन, ठीक है, और चौथी पुरोहित आवास। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा जो एक ऐसा स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल दोस्तों, पहला स्थल खोजा गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ता है दोस्तों, क्या पड़ता है। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर खोजा गया, ठीक है, खोजा गया दोस्तों, रावी नदी के तट पर खोजा गया। कौन स्थल? हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर खोजा गया दोस्तों। और जिला क्या था? पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में आता था, ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में मॉन्टगोमरी जिले में खोजा गया दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो आपको बता दें क्योंकि इसकी खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने की दोस्तों। और कब की? 1921 में की। कब की? 1921 में की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब की गई, तो 1921 में की गई। और किसने की? दयाराम सोनी ने की। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट साइट था। और किस नदी के किनारे खोजा गया? तो रावी नदी के तट पर खोजा गया। और वो क्षेत्र कौन था? वो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के मॉन्टगोमरी जिले में खोजा गया दोस्तों। तो इस प्रकार ये जो है हड़प्पा के बारे में जानकारी मिल गई। और लोथल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे दोस्तों। तो लोथल, देखिए लोथल अपने आप में भी एक ऐसी जगह बनाया था स्थलों में, जैसे लोथल के बारे में अगर हम जाने तो वो भोगवा नदी किनारे, एक तो ये सबसे पहले मिलता है हमको। दूसरी बात, ये गुजरात में है, ये भी मालूम होना चाहिए कहाँ पर है, गुजरात में है। और भारत में पहला खोजा गया स्थल, ठीक है, वो कौन था दोस्तों? तो वो था जो है आपका लोथल, ठीक है। लोथल में एक जानकारी और आपको मिलेगी, लोथल में क्या है, जैसे अग्निवेदिका का सांच भी हमको यहीं से मिला, ठीक है, अग्निवेदिका का सांच हमको कहाँ से मिला? लोथल से मिला। फिर दूसरा, चावल का प्रमाण हमको यहाँ से मिला। फिर और क्या मिला हमारा? ये सेकंड। और क्या थर्ड मिला हमें? चावल का प्रमाण मिलने के बाद हमें माप तौल की सामग्री मिली दोस्तों, ठीक है। अनाज पीसने की चक्की भी हमको यहाँ से मिली, ठीक है। तो इस प्रकार ये लोथल से हमारे बहुत सारी जो है एविडेंस प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। धौलावीरा से अगर हम लोग बात करें तो धौलावीरा एक अपने आप में भी अलग था सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ से हमें जो प्रमाण मिले तो आपको मैं बता दूँ कि धौलावीरा से एक तो सबसे पहले धौलावीरा जाना जाता है जल प्रबंधन के लिए, किसके लिए? जल प्रबंधन के लिए। दूसरा, स्टेडियम के सांच हमको मिले, ठीक है। दूसरी बात, स्टेडियम के सांच, क्लियर आपको बता दे रहे हैं कि जल प्रबंधन, दूसरा स्टेडियम, ठीक है। अभी जल प्रबंधन के लिए पूछा गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो बस दो ही जो है हमें एविडेंस यहाँ से हमको मिले हैं, ठीक है, दो ही एविडेंस हम लोग लिखेंगे। और दो ही जल प्रबंधन मतलब बहुत सारे हमें एक साथ टीले पर जो है कुएं मिले, ठीक है, तो जिसे पता चलता है कि बहुत सारे पानी के भरे हुए स्थान हमें मिले, तो पता चलता है कि वो उस टाइम के लोग वहाँ पर जल को मतलब संचय करते थे रहे होंगे। तो इस प्रकार हम जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा को जानते हैं। और धौलावीरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है, और गुजरात राज्य के कच्छ प्रदेश में
कच्छ प्रदेश में, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार पूरा तो बहुत सारे लोग धौला वीरा का अर्थ भी, तो धौला का अर्थ क्या होता है दोस्तों आपको मैं बता दूं, धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है दोस्तों कुआं, मतलब एक टीले पर पुराना कुआं, एक टीले पर, मतलब इसका अर्थ होता है पूरा एक टीले पर पुराना कुआं, एक टीले पर पुराना कुआं, पुराना कुआं होता है दोस्तों, समझ गए ना, पुराना कुआं स्थित था। इस प्रकार इसे धौला वीरा। तो अब ये पूरा हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिलीव करते थे किस चीज में बिलीव करते थे। तो पहला ऑप्शन आपके पास जो है आत्मा पर, ब्रह्मा पर, कर्मकांड पर, ऋषुलेश पर, फिर इसके बाद याचना पर, और चौथा है मात्र शक्ति पर, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, मात शक्ति, ठीक है। मात शक्ति में मतलब बहुत सारी हमें जो है मण मूर्तियां मिली, मण मूर्तियों की वजह से हम लोगों ने पता चला वो भी किसकी थी, देवियों की थी। और देवियों की बहुत सारी मृत मूर्तियों से पता चलता है कि वो समाज जो है मातृशक्तात्मक व्यवस्था को जन्म देता है। तो इसलिए लोग विश्वास मातृशक्ति पर करते थे, देवियों पर विश्वास करते थे, इसलिए लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे दोस्तों, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। तो ये चीज आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो पांचवा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग सिक्स क्वेश्चन की तरफ। और सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी लोथल से, कालीबंगा से, हमें हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से। ये चार ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही है। और जल्दी से बताइए कि एक जूते हुए खेत का जो सांच है, ठीक है, खोज कहाँ से की, कहाँ की गई, कहाँ की गई। तो इसमें जो है आपको बताने वाले हैं, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, लोथल, लोथल से ये खोजा गया है, ठीक है। एक जूते हुए खेत का सांच हमें, सॉरी लोथल से नहीं, कालीबंगा, बी नंबर ऑप्शन कालीबंगा है, पहला लोथल है, दूसरा कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा, चौथा मोहनजोदड़ो। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कालीबंगा, क्या सही होगा, कालीबंगा से जो है एक जूते हुए खेत का सांच हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हम लोग कालीबंगा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो कालीबंगा, अब कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो यही बात करें कालीबंगा का अर्थ। तो आपको बता दें कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग इस अर्थ को समझेंगे। दूसरी बात आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है ये, तो ये राजस्थान राज्य में है, कहाँ है दोस्तों, राजस्थान राज्य में है, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, तो ये गग्गर नदी के किनारे है, किस नदी किनारे, गग्गर नदी किनारे, ठीक है। और किस जिले पर, गंगानगर जिले पर, गंगानगर जिले पर स्थित है, गंगानगर जिले पर स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो रही होगी। और अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले तो क्या है कि कालीबंगा से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, क्या क्या प्राप्त हुआ ये सबसे पहले देखते हैं। तो एविडेंस कौन कौन से हैं, तो एविडेंस में जैसे हम लोग बात करें, एविडेंस में पहले बात तो सात हवन कुंड का सांच मिला, सात हवन कुंड का सांच हमें मिला, कुंड का सांच मिला हमें दोस्तों। दूसरा हमें जूते हुए खेत का सांच मिला, ये आप जूते हुए खेत का सांच मिला, खेत का सांच हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। तीसरी बात हमें यहाँ पर एक लकड़ी का पाइप का प्रमाण मिला, लकड़ी के पाइप का भी प्रमाण हमको यहीं से मिला, ठीक है, कि लोग जो है पानियों को निकालने के लिए लकड़ी के पाइप का यूज करते रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो है इनके सांच जो कालीबंगा से जो हमें प्राप्त हैं ये सारे आपको हमने क्लियर करा दिए हैं। हड़प्पा के बारे में जानकारी हमने काफ़ी पुष्ट कर ली है, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा, सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया स्थल है, और इसकी खोज जो है दयाराम सानी ने 1921 में कराई थी। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज भी हमने
बात कर ली है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो सिंधु का बाग होता है, प्रेतों का टीला होता है, इसके बाद जो है स्तूपों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है, बहुत सारे नामों से हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी लेते हैं। और मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरी बात, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल था। इसके बाद ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित था और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीज़ें हमको जो है यहाँ से पुष्ट होती है, जैसे हमें कांसे की नग्न मूर्ति यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो इसके सांच हमें कन्फर्म नहीं है, थोड़े से सांच एक बार हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं सांच, क्योंकि सांच आपको याद होने चाहिए, नहीं आप कैसे सारे साक्षों के बारे में जानकारी अगर पेपर में आता तो आप कैसे कर पाएंगे। जैसे आपको सांच में बता दें, एक तो पहले नंबर विशाल स्नानागार हमको मिला, क्या मिला? विशाल स्नानागार मिला हमको, ठीक है। दूसरा हमें बड़ी इमारत मिली, बड़ी इमारत में कौन सी इमारत थी? तो वो बड़ी इमारत में अन्नागार थी दोस्तों, कौन थी? अन्नागार थी। तीसरी सभा भवन, ठीक है, सभा हमें भवन यहाँ से प्राप्त हुआ। चौथा हमें क्या प्राप्त हुआ? पुरोहित आवास मिला हमें, पुरोहित आवास। और ये लोग जो है ये सारी चीज़ें जो हमें दूसरे टीले पर, मतलब जो ऊंचा टीला होता था मोहनजोदड़ो में, उसी टीले पर ये सारी इमारतें स्थित होती थी। पुरोहित आवास, क्या लिखेंगे हम लोग? पुरोहित आवास, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ कांसे की नग्न मूर्ति हमको मिली, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल विशेष ध्यान आप लोग रख समझेंगे दोस्तों। दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ हमें सूती कपड़े का भी सांच मिला, सूती कपड़े का सांच मिला। तो सूती कपड़े का अगर सांच हमको मिला है तो आप सूती कपड़े के सांच से क्या समझ सकते हैं कि इस टाइम के लोग कपास उत्पादन करना सर्वाधिक जानते रहे होंगे, इसलिए इनको जो है कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा कपास उगाना जानते थे, क्योंकि हमें जो है काटन क्लोथ्स के जो है एविडेंस यहाँ से रिसीव हुए हैं। दूसरी बात आपको बता दें, एक दाढ़ी वाले की भी हमें मूर्ति प्राप्त हुई, एक दाढ़ी वाले की भी हमें मूर्ति प्राप्त हुई, तो देख लेते हैं कौन सी, एक सेकेंड, सेवन नंबर, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई, बाबा की मूर्ति हमें प्राप्त हुई यहीं से, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी सातवां और एट नंबर में क्या है, पशुपत शिव का भी सांच मिला है हमें, पशुपत शिव का सांच मिला यहाँ से, शिव का भी सांच हमें मिला है। तो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख देवता के रूप में पशुपत को मानते होंगे। किसको मानते होंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोग जो है पशुपत को मुख्य देवता मानते रहे होंगे, मुख्य देवता मानते रहे होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ बिल्कुल आपका क्लियर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे चारे ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और चलते हैं हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन पर। और सेवन नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। तो अभी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं से पहले क्वेश्चन पर कि जल प्रबंधन के लिए कौन जाना जाता था। तो पहला लोथल है, दूसरा कालीबंगा है, तीसरा धौलावीरा है और चौथा रोपण है। जल्दी से आप अपने आंसर को क्लियर करिए, अभी आपको जानकारी मिल चुकी है। तो वो ऑप्शन सही हो रहा है सी, धौलावीरा। धौलावीरा ही जल प्रबंधन के लिए दोस्तों जाना जाता था। तो इस प्रकार से सेवन नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और चलते हैं हम लोग एट नंबर क्वेश्चन में। और एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ था। तो देखिए, अभिलेखों के माध्यम से, इंस्क्रिप्टेशन के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, ठीक है, उत्खनन के माध्यम से और या पॉइंट्स के माध्यम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई जल्दी से एक ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि चारों ऑप्शन में सिर्फ सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए, अभिलेखों का प्रयोग नहीं था इस समय में, ना तो लिटरेचर का कोई प्रयोग था, ना ही यहाँ पर हमें सिक्कों का ज्ञान हुआ था। सिर्फ केवल हम लोगों ने उत्खनन किया था, सारी वस्तुएं हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। तो खुदाई के दौरान जो चीज़ें प्राप्त होती वो उसका मतलब होता है उत्खनन। और उत्खनन से हमने वस्तुओं के माध्यम से उनके बारे में जानकारी पुष्टि की थी। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी सही होता है, आठ का सी सही होता है। और चलते हम लोग नौ नंबर क्वेश्चन पर।
और 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित था। तो देखिए पहला है रावी नदी के तट पर, ठीक है, दूसरा है सिंधु नदी के तट पर, और तीसरा है भोगवा नदी के तट पर, और चौथा है गगन नदी के तट पर। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, तो आपको बता दें कि इसमें पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, रावी नदी के तट पर। इस पर डिस्कस हो चुका है पहले कि हड़प्पा का जो स्थल था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। सिंधु नदी के तट पर कौन सा स्थित था, वो मोहनजोदाड़ो था। कौन था? मोहनजोदाड़ो था, ठीक है। और भोगवा नदी के किनारे कौन स्थित है दोस्तों, वो लोथल स्थित है दोस्तों। और घग्गर नदी के किनारे जो स्थित है वो कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा। इस तरह से आपको हम बार बार ही सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीटेड करके बताते चले जा रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन में किसी तरह की डाउट्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से रट जाए, बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप हो जाए सारे क्वेश्चन, कि आपसे गलती क्वेश्चन पर जो पेपर में जो गलतियां हो जाती हैं किसी प्रकार की, वो गलतियां आपसे ना हो पाए। इसलिए हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते, सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करके पूरी आपको जानकारी दे रहे हैं। और चलते हैं अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता पित्त प्रधान थी, मातृ प्रधान थी, पुरोहित प्रधान थी, इनमें से कोई नहीं थी। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, मातृ प्रधान, ठीक है। मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, यहाँ पर समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, मैटी हलचल था दोस्तों, मैटी हलचल था दोस्तों। और मैटी हलचल मतलब होता है मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ केवल देवियों की मूर्ति मिली है। देवियों की मूर्ति के माध्यम से हमने ये सीखा कि यहाँ के जो लोग थे वो मातृ मतलब जो है महिला वर्ग पर अत्यधिक प्रभावित थे, मतलब महिला वर्ग का स्थान उच्च था, इसलिए समाज जो है मातृ सत्तात्मक कहलाता था, मैटी हलचल कहलाता दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और अगले चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट कौन सी थी। अब देखिए सबसे पहले पहला है फारसी थी, दूसरा द्रविड़ थी, तीसरा ऑप्शन संस्कृत थी, और इसमें पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि चार ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन सही है, ना तो फारसी थी, ना तो द्रविड़ थी, ना तो संस्कृत थी, इसमें जो है डी है, पढ़ी नहीं जा सकी आज भी। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी जो लिखावट थी दोस्तों, इसकी जो लिखावट थी, चाहे आप दाएं से पढ़ें और चाहे आप बाएं से पढ़ें, ठीक है, एक ही तरह के अक्षर थे। तो समझ में नहीं आया कि इनको कैसे पढ़ा जाए और इनके बारे में कैसी जानकारी पुष्ट की जाए, ठीक है। तो इनकी लिखावट चाहे आप दाएं से पढ़ें और चाहे बाएं से पढ़ें, तो इनकी लिखावट आज भी हम लोगों को पूरी तरीके से नॉलेज नहीं हुई, हम लोग इनको पढ़ ही नहीं पाए इनके शब्दों को, इसलिए यह आज तक पढ़ी नहीं जान लिपि इनके बारे में जानकारी नहीं पुष्ट हो पाई, ना तो हम कह सकते हैं संस्कृत थी, ना तो द्रविड़ थी, ना तो फारसी थी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लिपि थी पढ़ी नहीं जा सकी सिंधु घाटी सभ्यता। यदि कभी ऐसा इतिहास में होता है दोस्तों कि अगर लिपि की जानकारी कोई पढ़ करके पुष्ट कर लेता है, तो एक सिंधु घाटी सभ्यता हमारे इतिहास का नया जन्म ले सकता है और नई जानकारियां फिर से हमें प्राप्त हो सकती हैं, और इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जा रहा है, उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन पर, कि पहला है सिंधु का बाग, दूसरा है मृतकों का टीला, तीसरा है प्रेतों का टीला, चौथा ये सभी। तो सही बात है, ये चारों ऑप्शन आपके सही होंगे। सिंधु का बाग भी होता है इसका अर्थ, मृतकों का टीला भी होता है, प्रेतों का भी टीला होता है, और ये सभी। तो चारों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इस प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं सबसे पहले क्या है 13 नंबर क्वेश्चन पर। लघु हड़प्पा, मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदाड़ो किसे कहा जाता है दोस्तों।
तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, आलमगीरपुर, रोपान, लोथल और कालीबंगा। तो ये चार ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसमें लोथल सही होगा दोस्तों, सी नंबर लोथल सही होगा, जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है और इसे पतनन नगर भी कहते हैं। बार बार आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया, पतनन नगर कहा जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर जो कैसा है, बंदरगाह के रूप में जाना जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसी का ये छोटा भाई है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का छोटा भाई लोथल है, इसीलिए लोथल को मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदाड़ो कहा जाता है दोस्तों। और आलमगीरपुर के बारे में आप लोग जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है ना, किस जिले में, मेरठ जिले में, ठीक है। फिर इसके बाद रोपण, रोपण कहाँ है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये पंजाब में है, कहाँ पर है, पंजाब में है, और वो है सतलज नदी के किनारे, कहाँ पर है, सतलज नदी के किनारे दोस्तों, ठीक है। और लोथल, लोथल के बारे में जानकारी हो ही चुकी है। कालीबंगा, कालीबंगा किस स्टेट पर स्थित है, तो वो है राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में है दोस्तों, गंगानगर जिले में दोस्तों। और किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म से परिचित नहीं थे, ठीक है, सॉरी किस धर्म से परिचित नहीं, किस धातु से परिचित नहीं थे, यहाँ पर गलत लिख गया है, किस धातु से परिचित नहीं थे, तो किस धातु से परिचित नहीं थे, पहला है चांदी से, दूसरा है सोने से, तीसरा है तांबे से, चौथा है लोहे से। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सिर्फ केवल लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की जो खोज हुई थी वो पोस्ट वैदिक पीरियड में हुई थी, पोस्ट वैदिक पीरियड में हुई थी दोस्तों, किस पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। और वो समय था 1000 BC, क्या था 1000 BC, वो भी कहाँ से खोजा गया, हमें उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा एटा जिला में पड़ता है दोस्तों। और यहीं पर हमें जो है कृषि से संबंधित औजार मिले, कृषि से संबंधित औजार मिले, कृषि से संबंधित औजार हमको प्राप्त हुए दोस्तों, औजार प्राप्त हुए कहाँ से, अंतरजी खेड़ा से, ठीक है। तो लोहे के औजार हमें बहुत बाद में मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही, डी सही है, चांदी से भी परिचित थे, सोने से भी परिचित थे, तांबे से भी परिचित थे, तांबा क्योंकि सबसे पहला खोजा गया धातु था। तो इस प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया, पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, और तीसरा है मेहरगढ़, और चौथा है चहुंद्रो, ठीक है, चहुंद्रो। तो आपको मैं बता दूं कि ये चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो इसमें हड़प्पा, हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया था, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। तो हम लोग बहुत बार इनके नामों को जानते हैं, सबसे पहले तो नाम हम लोग सिंधु सभ्यता जानते हैं, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे खोजा गया इसलिए सिंधु सभ्यता जानते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग क्या जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानते हैं, क्योंकि सिंधु मतलब ये घाटियों के बीच में खोजे गए स्थल थे। तीसरा पहला खोजा गया साइट था हड़प्पा सभ्यता, इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और भी इसके नाम है, प्रथम नगरी सभ्यता भी पड़ गया, क्योंकि प्रथम नगरी सभ्यता क्यों पड़ा, तो आपको मैं बता दूं, प्रथम नगरी सभ्यता का पढ़ने का कारण था कि पहली बार नगरों का उदय हुआ, पहली बार नगरों का उदय हुआ, पहली बार नगरों का उदय हुआ दोस्तों, नगरों का उदय हुआ, ठीक है। इसके बाद
और भी नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग कांस युगीन सभ्यता भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में लोग कासा बनाना जानते थे। बहुत तेजी के साथ विकास था कासा बनाने का। और कासा किससे बनता था? तांबे और टिन से, तांबे प्लस टिन से ये लोग तांबा राजस्थान से लाते थे और टिन जो है अफगानिस्तान से लाते थे। तो इस प्रकार कांसा का निर्माण ये बहुत फेमस था यहाँ पर। तो इस प्रकार आपको बता दें कि इन सभ्यता के इन नामों से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोगों से डिस्कस हो ही चुका है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम सांचे हमको प्राप्त हुए, और कपास के प्राचीनतम सांच, गेहूं के प्राचीनतम सांच, जौ के प्राचीनतम सांच, मतलब कि इसका अर्थ होता है कि पूरी तरीके से कृषि के प्राचीनतम सांच हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और ये देखिए चौंदड़ो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएँ हमको मिली कि वस्तुएँ यहाँ से प्राप्त हुई, जैसे काजल मिला, कंघा मिला, सीसा मिला, बहुत सारी चीज जो हम लोग फेस के लिए करते हैं, मतलब जो है डेकोरेशन करने के लिए, वो सारी चीज़ जो वस्तुएं हैं वो चौंदड़ो से हमें मिली। दूसरी बात, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी सांच हमें चौंदड़ो से प्राप्त होता दोस्तों, ठीक है ना, समझ गए होंगे दोस्तों। इस प्रकार हमारे 15 क्वेश्चन बिल्कुल कम्प्लीट होते हैं, ठीक है ना। और जिसी प्रकार का आपका डाउट्स लग रहा है कि एक क्वेश्चन में हमें डाउट्स हो रहा है कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो वो कमेंट करके आप क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग नहीं रखते हैं, और सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।